आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम एक SDM साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर हमने मांग की गई कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की महामारी बहुत फैल रही है, वहाँ से जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है वो लोग सिविल हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन वहाँ के कर्मचारी लोग उन लोगों को भगा देते हैं, उन लोगों का इलाज नहीं करते, जिसके कारण उन लोगों की मौत हो रही है। आज भी ज्वलंत मामला है एक खाचरौत के अंदर, मुझे खुद को इतना बड़ा दुख हुआ कि हम लोग उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो ऑक्सीजन के लिए आया लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने उनको ऑक्सीजन नहीं लगाया, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम एक तरफ तो दावे कर रहे हैं सारी चीज़ों के, हमारे पास सब सारी सुविधाएं पर्याप्त है, दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ रहे हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़े जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक गुजर समाज की महिला जो सिविल हॉस्पिटल गई थी, वहाँ भी उनको ऑक्सीजन टाइम पर नहीं मिला, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल एक ऑक्सीजन जोन बनाया जाए, जिसके अंदर 8-10 बाटले लगा दे और वो अपनी गाड़ी से आए, भले ही उनको गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दे दे, ताकि समय पर उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए और उनको भले ही अन्य कहीं दूसरी जगह रेफर कर दे। तो आज हमने मांग करी और एक और हमने मांग करी है SDM साहब से कि SDM साहब अपने कोविड सेंटर के सिविल हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा शासकीय स्कूल है, ये कोविड पेशेंट जो रहते हैं उनके घर परिवार वाले रहते हैं वो लोग वहाँ पर रात भर रहते हैं, तो अगर वहाँ एक हाल या एक रूम ऐसा खोल दिया जाए जिसमें वो लोग उनका रेन बसेरा कर ले, ताकि उनको रात भर इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसके लिए हमने एक मांग करी SDM साहब से। परसों के दिन हमारे समाज के भरत सिंह जी गुजर, उनकी माता श्री कोविड पेशेंट थे, उनका ऑक्सीजन कुछ 55-60 हो गए थे, 15-20 मिनट तक वो बाहर गाड़ी में पड़े थे, पर किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी भी नर्स या उनने वार्ड बॉय या किसी ने उनको नहीं लगाया। तो हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय से, SDM साहब से, कि एक ऐसी सुविधा हो जाए वहाँ पर, ताकि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट जो आए तो उससे ऑक्सीजन मिल सके, ताकि उसे कोई कुछ पल तक तो जान बचाई जा सके। बस ये निवेदन के लिए हमने ज्ञापन दिया है शरद देव, राधे देव जिसवाल के।